हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शेयर करने वाली हूँ चूड़ा मटर की रेसिपी। चूड़ा मटर फ्राई करने की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो ये रख दी है कढ़ाई और गैस को ऑन कर दिया है। तो कढ़ाई हो रही है गरम और डालेंगे तेल। बस तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है तो अब डालेंगे हरी मिर्च, कट की हुई हरी मिर्च। तो ऐड करेंगे इसको और इसको ब्राउन होने देंगे। तो बस आप डालेंगे हरी मटर ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको एकदम सॉफ्ट होने तक पकाना है, कम से कम 5 मिनट लगेगा। मटर को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुका है तो मटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। मटर एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बस डालेंगे हल्दी पाउडर और यहीं पे डालेंगे नमक। और इसको भी खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे, नमक और हल्दी को। दो मिनट तक और पकाएंगे। हल्दी और नमक एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें। अब डालेंगे इसमें चूड़ा, ये घर का चूड़ा है। तो बस इसे में ऐड करेंगे और इसको भी करेंगे मिक्स। चूड़ा मटर को 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे और अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो बस 10 मिनट तक इसको पकाते रहेंगे। तो 10 मिनट हो चुका है और एकदम ये कुरकुरा हो गया है। तो बस कुरकुरा हो जाए तो समझ लीजिए कि चूड़ा मटर पक चुका है। बस यहीं पे ऐड करेंगे हरी धनिया, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बस हरी धनिया को ऐड कर लेते हैं। और गैस को कर देंगे बंद। तो बस चूड़ा मटर रेडी हो चुका है। चूड़ा मटर खाने के लिए रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये चूड़ा मटर, और साथ में बना ली है चाय। तो बस इन्जॉय करने वाले हैं शाम को। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।